नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जोशीमठ में खतरनाक दरार वाले भवनों पर एक्शन शुरू हो गया है। गिराए जाने वाले भवन के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में घर गिराने की शुरुआत हो जाएगी। 75 भवनों को एक एक करके गिराने की ये कोशिश होगी। मकानों के ध्वस्तीकरण में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, मैनुअल तरीके से इन मकानों को गिराया जाएगा। 75 ऐसे भवन जिन्हें एक एक करके गिराया जाना है और मकानों के ध्वस्तीकरण में मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए, एक एक करके 75 ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इनके कभी भी गिरने का खतरा बरकरार है। ऐसे में सुरक्षित तरीके से इन्हें गिराया जाए, इन्हें ध्वस्त किया जाए, इसके लिए एक टीम है और उसकी देख रेख में बिना मशीनों के इन भवनों को, जिसमें घर और होटल्स की बिल्डिंग शामिल है, उन्हें गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे पहले कनेक्शन काटे जा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से एक एक करके मैन पावर का इस्तेमाल करके इन्हें खाली किया जा रहा है और अब इन्हें गिराने की कवायद शुरू हो रही है। आसान काम नहीं है, बहुत संवेदनशील ये मामला है। जोशीमठ में कई बड़े बड़े होटल हैं जिन्हें गिराने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन 75 ऐसे मकानों को गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे पहले कनेक्शन काटे जाएंगे बिजली के। तो देखिए, बिजली के कनेक्शन सबसे पहले काटे जाएंगे। 75 भवन ऐसे जिन्हें एक एक करके गिराने की कोशिश होगी और ये जैसा स्नेहलता आपने भी बताया, आसान काम नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल रहने वाला है। सामानों को पहले शिफ्ट करना, उसके बाद इस तरीके से बिजली के कनेक्शन काटना, फिर इन मकानों को गिराना। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जोशीमठ, हमारे सहयोगी रवि कैंतरा शुरू से जोशीमठ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं। आज के दिन की ये बड़ी अपडेट है जोशीमठ से, जहां रवि तस्वीरों के साथ बताएंगे और समझाएंगे। जी रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं दिखाता हूं आपको जिस तरीके से। सबसे पहले क्योंकि बिजली के कनेक्शन को यहां से काटना होगा ताकि किसी तरीके की आगे कोई दिक्कतें ना हो, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां से जो बिजली के कनेक्शन जा रहे थे मेन मुख्य बाजार की तरफ, तो उनको पूरी तरीके से यहां से काटा जा रहा है। और जो भी यहां पर ध्वस्तीकरण होगा, तमाम जो यहां से होटल से जिसकी शुरुआत होगी, वो मैनुअल तरीके से होगा। बड़ी मशीनों का यहां पर किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर यहां पर इन मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो नीचे एक बड़ी कॉलोनी है, वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। यहां तक कि बद्रीनाथ हाईवे भी नीचे से होकर गुजरता है, वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहां पर मैनुअल तरीके से धीरे धीरे यहां से इस ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जहां पर पूरी तरीके से आप यहां पर अलर्ट हो गए हैं, लेकिन जो रिसर्च टीम है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी निगरानी में यहां पर ये पूरा ध्वस्तीकरण होना है। तो ऐसे में यहां पर फिलहाल SDRF को तैनात कर दिया गया है, लोकल पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है और NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो यहां से आज इस तरीके की पूरी कार्रवाई यहां से होनी है। और यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो होटल से बन रही हैं, लेकिन यहां पर SDRF की जो पूरी एक टीम है, यहां पर पूरी तरीके से वो सुबह से तैनात की गई है और उनके पास भी पूरे ऐसे इक्विपमेंट दिए गए हैं जिनके माध्यम से वो यहां पर जो अगर किसी भी तरीके की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके का कोई रेस्क्यू, तो उस चीज़ को वो पूरी तरीके से कर सके। तो पूरी SDRF को अभी यहां पर ब्रीफ भी किया गया था, क्योंकि SDRF के जो कमांडेंट हैं वो यहां पर उनको ब्रीफ कर रहे थे कि आपका क्या रोल होगा जब ध्वस्तीकरण यहां पर हो रहा होगा, और इस वजह से उन तमाम लोगों को यहां पर अलर्ट पर रखा गया है। और इधर से मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही यहां से ये जो पहला होटल है जो अभी आप आपको दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरा होटल इस तरफ है जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। अभी तक पूरे जोशीमठ शहर की बात की जाए तो 75 ऐसी जगह हैं जहां पर रेड क्रॉस के चिन्ह लगा दिए गए हैं, और धीरे धीरे इन यहां से जो है उन जहां पर चिन्ह लगाए गए हैं उनको यहां से हटाया जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से, सबसे पहले जो बिजली के कनेक्शन में आपको दिखा देता हूं, यहां से जो तार जा रहे थे, यहां से बिजली के कनेक्शनों को यहां से हटाया जा रहा है और कनेक्शन हटाए जाएंगे। नीचे वाली जो ये सड़क है, ये बद्रीनाथ का जो ये हाईवे मार्ग है, यहाँ पर भी आवाजाही को बंद किया जाएगा जब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अपने पूरे चरम पर होगी, क्योंकि एक बाईपास है, बाईपास से ही गाड़ियों को जाने दिया जाएगा ताकि यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी कोई दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके की अभी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो आएगी, उनकी निगरानी में होना है। क्योंकि नीचे एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे जिस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉलोनी है,
फिलहाल यहाँ से तमाम जो घर हैं इनको खाली कराया गया है, लेकिन इसके नीचे अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पर अभी भी इनके जो साइड के लोग हैं वो वहाँ पर हैं। ये सिंहधार वाला इलाका है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो यहाँ पर इन घरों को खाली कराया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े होटल, देखिए एक तस्वीर इस होटल की इधर से देखिए, ये दूसरा ये तस्वीर देखिए आप, कितना यहाँ पर बीच में गैप हो गया है। ये पूरी पार्किंग के ऊपर यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन कितना बड़ा गैप है अगर, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 मंजिला ये वाला होटल है जिसको दूसरे फेज में गिराया जाना है, यहाँ से ध्वस्तीकरण होना है। तो यहाँ से अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी भी तरीके से अगर मैनुअल तरीके से भी तोड़ा जाएगा तो ये तो पूरी खतरा है कि ये यहाँ पर जो है अपने एक वेग के साथ भी नीचे जा सकती है। तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर ख्याल रखना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस होटल में एक ऊपर वाले मैंने मार्ग आपको दिखाया, लेकिन इस होटल के नीचे भी ये जो बद्रीनाथ रोड है वहाँ से यहाँ से नीचे होकर आती है और इसके नीचे भी पूरी जो बद्रीनाथ वाला हाईवे है वो वहीं से गुजरते जा रहे हैं। रवि, और ये भी बताइए, क्या ये जो 75 भवन जिन्हें गिराया जाना है, क्या सबसे पहले उन होटल्स को गिराया जाएगा? वो जो दो होटल्स की तस्वीरें हम देख रहे थे एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, सबसे पहले कौन से भवन को गिराया जाएगा इन 75 में से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो मलारी इन से होगी, जहाँ पर हमने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी। वो ये वाला होटल, इसके जो बगल वाला होटल है वो मलारी इन है, वहाँ से शुरुआत होगी क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रैक हैं, और वहाँ से जब इसकी शुरुआत होगी तो उसके बाद ही धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। अभी तक जानकारी है कि जो 75 जगह हैं उनको हटाया जाना है, क्योंकि पहले होटल से शुरुआत होगी। इस होटल को इस वजह से हटाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत बनी हुई है वो यहीं से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हैं और इसके नीचे बहुत बड़ी आबादी है और मुख्य मार्ग भी है। तो ऐसे में अगर ये खुद कभी अगर ये अपना आप ही नीचे चले जाता है, धंस जाता है, तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कत जो है आपको, जो लोग हैं यहाँ पर उनका हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ से जो है इस होटल को यहाँ से खाली कराया जाएगा और यहाँ से शुरुआत की जाएगी। देखिए ये है वो होटल जिस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी है, ये होटल है। ये देखिए इस पर दीवार चिपकने वाली आप बात की थी, उस तस्वीर को एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर किस तरीके से ये वाला जो होटल है वो इस दूसरे वाले होटल पे पूरी तरीके से टिका हुआ है। तो यही वो तस्वीर है, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी गैप था लेकिन अब इस तरीके से चिपक गया है। तो ये जो दरारें हैं और इन दरारों वाला जो होटल है मलारी इन, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से मैनुअल शुरुआत की जाएगी और उसके बाद ही धीरे धीरे आगे इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को ले जाया जाना है। अभी यहाँ पर इस तरीके की एक तैयारी की गई है ताकि जब यहाँ पर इस तरीके का ध्वस्तीकरण हो तो वहाँ पर उसको सुरक्षित तरीके से यहाँ से लोगों की आवाजाही भी बनी रहे और सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे मैनुअल तरीके से इस होटल को यहाँ से ध्वस्त किया जा सके। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि, इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है लेकिन इतना मुश्किल काम होगा। 75 बिल्डिंग्स हैं जिन्हें जमींदोज करने के लिए मैनुअली सारी चीजों को ऑपरेट किया जाएगा, जो मलबा होगा उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि देखिए वजन है, इसे किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ये बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, वो एक बड़ी चुनौती रहेगी कि जो यहाँ से जिस तरीके से जो मलबा है उसको कहाँ पर जो है ले जाया जाएगा और किस तरीके से उसे रखा जाएगा। उसके लिए पूरी जो यहाँ पर जो मशीनरी है वो यहाँ पर आएंगी, जिस तरीके से मलबा निकलेगा उसको धीरे धीरे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि पूरा शहर है, शहर के बीच में ये जगह है और इस जगह को जो है यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के आसपास जो पूरा एक शहर बसा हुआ है उन तमाम लोगों को यहाँ से सुरक्षित रखना है। तो ये एक वजह है कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे मलबे के लिए जो मशीनें हैं उनको धीरे धीरे मैनुअल तरीके से उसको वो किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और अभी तक बातचीत कर भी रहे थे। सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। धस्माना साहब, एक अभी पूरी तैयारियां शुरू हो गई है, मैनुअल तरीके से हटाने की बात हो रही है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए आप हटाइए, अगर आपको किसी चीज़ से खतरा लग रहा है तो आप हटाइए, लेकिन क्या देश की सरकार को, राज्य की सरकार को इसको नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं करना चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, चीन से हम चीन का बॉर्डर का जाने का रास्ता ये जोशीमठ ही है और आप इसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि आपने अब तक इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाया है, अभी तक आपने लोगों के भाग्य पर छोड़ा हुआ है। कल अगर बारिश हो गई, कल अगर बर्फबारी हो गई और अचानक इसने भू समाधि ले ली तो कौन उस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार होगा, ये कोई सवाल पूछने वाला है? आप अगर किसी का मकान गिरा रहे हैं, किसी की दुकान गिरा रहे हैं, किसी का होटल गिरा रहे हैं, उसको आपको नोटिस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मैं समझता हूँ कोई सरकार के पास इवैक्यूएशन प्लान नहीं है, कोई आपातकालीन आपके पास योजना नहीं है, इसलिए आज बहुत बड़ा संकट जोशीमठ के लोगों के ऊपर आ रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा संकट है और ये भी आरोप है कि सरकार के पास कोई बड़ा प्लान नहीं है। मैं इधर की तरफ आपको दिखाता हूँ, मलारी इन ये होटल है जहाँ पर जिसकी शुरुआत यहाँ से ध्वस्तीकरण की होगी, लेकिन सामने वाले जितने भी होटल आप देख रहे हैं ये पीले कलर का, इसमें
पूरी तरीके से रेड क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इसके ऊपर मनोहर बाग है, वहाँ पर जो घर हैं उन पर सबसे पहले दरारें आनी शुरू हुई थी। बल्लियों के सहारे लोगों ने अपने घरों को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ वो दरारें बढ़ती गई और वो तमाम चीज़ें अगर देखें तो वो फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि उसमें लगा कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए जो नीचे के होटल हैं उन पे हैं, और जो रेड क्रॉस वाले जो और होटल हैं और जो मकान हैं वो इधर की तरफ है। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, देखिए, और तस्वीरें मनवरा आप दिखाते रहिए साथ साथ में कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ के जो ऊपर के जो मकान हैं उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा भयावह है। और इन होटल के बाद धीरे धीरे जिन 75 जगहों की बात कर रहे थे उनमें कौन कौन सी जगह तोड़ी जानी है, उन तस्वीरों पर मैं अपने दर्शकों को ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये होटल से एक रास्ता जो है ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पर अब यहाँ से शुरू होते हैं मकान, ये मकान। अब इस मकान की स्थिति देखिए, यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तो लोगों ने अपने मकान को यहाँ पर बल्लियों के सहारे खड़े किया था। ये देखिए, ये रेड क्रॉस का निशान है, ये जो मकान है बल्लियों के सहारे यहाँ पर इन मकानों को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये मकान इस तरीके से फट गए। नीचे देखिए किस तरीके की बड़ी दरारें हैं, क्योंकि होटल जब वहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा तो उसके बाद इन मकानों को भी यहाँ से हटाया जाना है, क्योंकि इन पर पूरी तरीके से रेड क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। देखिए किस तरीके से मकानों को यहाँ पर बल्लियों के सहारे पहले शुरुआत में लोगों ने बिल्कुल रवि आप पहुंचिए जहां कैमरे के साथ पहुंचना चाह रहे हैं। तस्वीरों को मैं जो देख पा रही हूं वो समझाती चल रही हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पहाड़ी क्षेत्र में कैमरे के साथ आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये वाकई डराने वाला मंजर है रवि। जिस तरीके से बने बनाए आशियाने में अचानक से इस तरीके की दरार आ जाती है, कितना मजबूत सा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, मोटी परत दिखाई दे रही है, लेकिन बल्लियों के सहारे इसे टिकाना पड़ा है। तो कुदरत के आगे सब कुछ हार जाते हैं, आप मजबूर हैं, कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं ये तस्वीरें। और अब इन्हीं किसी अरमानों के साथ, उम्मीद के साथ होटल को बनाया गया होगा, उसे गिरता हुआ देखना कितना कितना पेनफुल होगा इसके ओनर के लिए, तमाम लोगों के लिए। इवन मुझे लगता है कि जो लोग इस होटल में रुके होंगे वो भी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जोशीमठ में गए थे तो हम यहाँ रुके थे, और उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है कि आखिरकार कैसे अपने ही हाथों से लोग इसे एक एक करके गिराएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत संवेदनशील हैं, और ये सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, इससे मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं, और अभी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। रवि आप अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए मैं होटल के ऊपर की तस्वीर आपको दिखा रहा था कि जहाँ पर जो होटल हमने पहले बताया कि जहाँ से वहाँ पर ध्वस्तीकरण मैनुअल तरीके से अब शुरू होगा, उसके बाद के ये जो मकान है मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि होटल के ठीक ऊपर हैं, कि यहाँ पर जो है इन मकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसके बाद शुरू होनी है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं, असुरक्षित जोन है ये, यहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया है, लोग यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि स्थिति यहाँ की बहुत भयावह हुई थी। और शुरुआत में ही ये जो पूरा पैच है एक मनोहर बाग का, ये स्थिति बहुत भयावह थी, तो यहाँ से तमाम लोगों को शिफ्ट कराया गया था। अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी, इन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तभी यहाँ पर रेड क्रॉस से पूरे किए गए थे, और यहाँ से क्योंकि ये वही वाला पैच है जहाँ पर नीचे होटल है जहाँ पर ये कार्रवाई शुरू होनी है, और इधर की तरफ जो है आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ, और मैं ऊपर भी दिखाइए, देखिए जो यहाँ के ऊपर के घर हैं वो रेड क्रॉस का निशान दिखाइए, वो देखिए वहाँ तक वो जो घर है वो ये सब यहाँ से इनको धीरे धीरे मैनुअल तरीके से हटाया जाएगा ताकि ये खुद जमींदोज ना हो। इसके पीछे एक वजह ये है क्योंकि जोशीमठ जो शहर है यहाँ पर बर्फबारी होती है, 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो जाती है, हालांकि इस बार जनवरी में जो बर्फबारी होती थी वो देखने को नहीं मिली। ये भी एक कुछ राहत इसे कह सकते हैं कि इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर बर्फबारी से नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से मौसम का ये भी अनुमान है आज और कल में कि यहाँ पर जो है बर्फबारी हो सकती है, तो उससे पहले ही ये कोशिश की गई कि बर्फबारी होने से पहले ही ऐसे भवनों को जो कि बिल्कुल अब इस बुरी दशा में है कि जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो सकते हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, उन घरों को, उन होटल को खाली करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई। और यही एक मुख्य वजह रही कि यहाँ पर बर्फबारी के जैसे ही संभावना देखी गई उससे पहले ही इनको खाली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो कल लोग आए थे उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि अब यह ये ऐसा एरिया हो चुका है कि ये घर ऐसे हैं कि अब यहाँ इनको जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना ही बेहतर रहेगा, अगर ये नहीं हटाए गए तो ये अपने आप ही यहाँ से खिसक जाएंगे, धस जाएंगे।
और अगर अपने आप ये धंसते हैं तो भी बड़ी दिक्कत जो है हो सकती है जी। तो रवि एक जानकारी आप और दीजिए, ये जो भवन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पूरा ध्वस्त किया जाएगा, क्या इनके अंदर जो सामान था वो सारा सामान शिफ्ट हो चुका है, खाली हो चुके हैं ये घर पूरी तरीके से, ये भवन खाली कर दिए गए हैं या अभी भी कुछ सामान है, प्रक्रिया चल रही है? नहीं, जहां से जो खाली होने जो आज यहां से इनका ध्वस्तीकरण होता है, अब देखिए ऊपर तस्वीर दिखाता हूं, यह है मलारीन जिसकी सबसे पहले जिसको मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है, यहां से सारा सामान हटा दिया गया है, यहां पर अब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये मलारीन और इसके बगल का एक होटल है माउंट व्यू, इन दोनों होटल को ही सबसे पहले जो पर्यटक यहाँ पर रुकते थे उनके लिए बंद कर दिया गया था। उस वक्त दरारें कम थी लेकिन बाद में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गई और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को खाली किया गया है। और जो घर में अभी तक दिखा रहा था वहाँ पर भी लोग यहाँ से चले गए हैं, यहाँ से दूर चले गए हैं, सामान हटा दिया गया है, थोड़ा सा कुछ सामान अगर होगा तो उसे वो यहाँ से हटा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति साफ है कि इन तमाम जगहों पर जिस तरीके की इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये देखिए नीचे कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सब्बल बड़े हथौड़ी ये लेकर आए हैं, यही है कि मैनुअल तरीके से हटाना है, तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ उनको जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग अपने इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिजली के जो यहाँ से जो सप्लाई हो रही थी उस सप्लाई को यहाँ पर रोका गया है, तार यहाँ से निकाले जा रहे हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके से अब यहाँ पर इन होटल्स को यहाँ से तोड़ा जाएगा। और तोड़ने के बाद चारों ओर SDRF की टीमें और NDRF की टीम अलर्ट पर है ताकि अगर ये खुद भी, क्योंकि एक संभावना है कि मैनुअल तरीके से तोड़ते वक्त खुद भी ये जमींदोज ना हो जाए कहीं, खुद ही जो है ये धस ना जाए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये दो होटल हैं, उधर वाइट पट्टी वाला एक माउंट व्यू होटल है और जो इधर वाला होटल है वो मलारीन है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, जबकि पहले जो है कई फीट का इन दोनों में गैप था लेकिन अब दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो यही वजह है कि यहाँ से इनको सुरक्षित तरीके से, क्योंकि 5-6 मंजिला ये भवन है, ये होटल है और यहाँ से सुरक्षित तरीके से इनको कैसे तोड़ा जा सके, नीचे एक बस्ती है। मैं आपको एक तस्वीर एक दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो होटल के नीचे जो लोग हैं उनको तो खाली कराया गया लेकिन होटल के बगल में अगर आप देखेंगे, देखिए एक कुछ लोग आपको खड़े भी दिखाई देंगे, आगे देखिए एक महिला वहाँ पे है उस तरफ, यहाँ देखिए। अब ये दिक्कत ये है कि अगर इसको मशीनों के जरिए तोड़ा जाता तो यहाँ वो वाले जो घर हैं उनको सेफ माना जा रहा है, जबकि देखिए कितने नज़दीक हैं, तो कुछ सेफ हैं वो, उतने ज़्यादा दिक्कतें उनमें नहीं है। तो वहाँ देखिए लोग हैं, वो बच्चे हैं, देखिए छत में आपको बच्चे दिखाई देंगे, देखिए कितना नज़दीक हैं होटल के। अगर किसी भी तरीके कोई ऐसी चीज़ होती है तो यही वजह है कि NDRF SDRF सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन बने तो उसे किया जा सके। लेकिन अभी तक प्रशासन का ये दावा है कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो अपनी गाइडलाइन उनकी निगरानी उनका जो तरीका है उनका जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से ही इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि 75 इमारतें हैं जिन्हें गिराया जाना है और जैसा आप जानकारी भी दे रहे हैं 5-6 मंजिला कुछ ये होटल्स हैं जिनकी तस्वीरें आप हमें दिखा भी रहे हैं, अब ये जो 75 इमारतें हैं 75 भवन है इन्हें क्या एक ही दिन में गिराए जाने की प्रक्रिया होगी या इसके लिए कोई स्केड्यूल तैयार किया गया है या कितने घंटे की प्रक्रिया रहेगी? रवि बिल्कुल, सबसे पहले फेज में एक होटल से शुरुआत होनी है और अगर प्रशासन इसको मैनुअल तरीके से कर रहा है तो मान लीजिए कि समय लगेगा, यानी कि धीरे धीरे समय लगेगा। लेकिन जो फेज वाइज की आप बात कर रहे हैं वो ये दिक्कतें हैं कि जिस होटल में अभी सबसे ज़्यादा दरारें हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकता है, गिर सकता है खुद, उसको सबसे पहले हटाया जाएगा। तो इन होटल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा रेड क्रॉस के निशान है, जहां हम अभी गए थे जिस गांव में, वहां पर ही उनको धीरे धीरे हटाए जाने का काम शुरू होना है। तो ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ मशीनों का यहां पर इस्तेमाल नहीं होना है, मैनुअल होना है, तो इस पर वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआत अभी यहां से होगी। अभी तक की जो जानकारी हमें SDRF के कमांडेंट ने दी, उन्होंने ये कहा कि जो ये होटल है यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर घरों की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जो है उन तमाम चीज़ों को शुरू करेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें होंगी। देखिए बिजली के कनेक्शन हटाए जा रहे थे तो यहाँ पर अभी तो मीटर लगे हुए हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रवि आप लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुँचाते रहिए और अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे, तस्वीरें आपसे लगातार हम देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप ABP गंगा पर दिखा रहे हैं। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है और ब्रेक के बाद लगातार कवरेज जारी रहेगी।
अलावा जोशीमठ की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज वहां पर सबसे ज्यादा असुरक्षित भवनों को लेकर की जाएगी। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा, फिलहाल जोशीमठ में क्या कुछ चल रहा है और इन भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए कितनी मैन पावर लगाई गई है, कितने मजदूर, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप जहाँ पर ध्वस्तीकरण होना है उसी जगह पर सुबह से मौजूद है, लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा, चाहे SDRF की टीमों को हमने बताया था कि उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं अभी यहाँ से, क्योंकि बहुत मैनुअल तरीके से इसका ध्वस्तीकरण होना है, तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है लोग आए हैं और वो यहाँ पर अभी उस टीम का भी इंतज़ार है जिनकी निगरानी में ये होना है, क्योंकि वो टीम अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है जो जानकारी मिल रही है, तो उसके बाद ही यहाँ से शुरुआत होनी है और उसके बाद ही इन तमाम जो होटल पर जो कार्रवाई है वो यहाँ से शुरू की जाएगी। और आज अगर बात करें तो इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जहाँ एक और है, वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके आने का सिलसिला भी शुरू रहेगा, क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो भी इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तमाम सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिन लोगों के ये होटल हैं, जो घर हैं, जिनको तोड़ने की बात की गई है, उनका आरोप भी है कि हम लोगों को नोटिस नहीं दिए गए, अभी परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर उनका होगा वो नहीं कहा गया है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से ये कदम उठा दिया गया है कि अब यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाना है, किसी भी तरीके से अब यहाँ पर इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मौसम बदला, बर्फबारी हुई, बारिश हुई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और यही वजह है कि यहाँ से जो है सबसे पहले अब ध्वस्तीकरण के लिए पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो शुरू यहाँ से की जाएगी, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें ना हो। हमें इधर से आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा, ऊपर की यहाँ अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जोशीमठ में ये कार्रवाई चल रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।